हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स कॉन्टिन्यूइंग विद सीरीज ऑन राइटिंग टास्क वन ऑफ अकेडमिक आइल्स आज हम बात करेंगे मैप्स बेस्ड क्वेश्चन की मैप्स बेस्ड क्वेश्चन आर अ वेरी कॉमन अक्रेंसेज पार्ट ऑफ योर टास्क वन लेकिन मैप्स को पढ़ना समझना उन्हें इंटरप्रेट करके वन फिफ्टी वर्ड्स का ऐसे बनाना आसान नहीं है तो उन सारी टेक्निक्स को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सो विदाउट फर्दर टू लेट्स बिगिन सबसे पहले तो एक क्विकली रिविजन कर लेते हैं कि हमारा मार्किंग क्राइटेरिया क्या होता है सबसे पहले तो टास्क अचीवमेंट आपके मैप क्वेश्चन में आपसे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछे जाएंगे यू हैव टू मेक श्योर कि आपसे जो पूछा गया है आप उसी को आंसर कर रहे हैं और कोई भी पूछी हुई चीज़ को मिस नहीं कर रहे हैं अपने ऐसे में जब आप ऐसा करेंगे तो माना जाएगा कि आपने अपना टास्क अचीव कर लिया है साथ ही यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो शॉर्ट ऐसे है आप उसको अलग अलग पैराग्राफ्स में डिवाइड कर रहे हैं टॉपिक सेक्शंस का यूज कर रहे हैं और इस तरह से फ्लो बना रहे हैं कि आपका पूरा ऐसे स्ट्रक्चर्ड लगे कोहरेंस और क्लैरिटी का मतलब होता है कि फ्लुएंसी होनी चाहिए साथ साथ आप जो लिख रहे हैं उसमें वो भी पढ़ने में क्लियर होना चाहिए उसके बाद लेक्सिकल रिसोर्स मैप के क्वेश्चन में अपने आंसर को लिखने के लिए आपको पर्टिकुलर फ्रेजेस का यूज़ करना पड़ता है उन फ्रेजेस को हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे उसी को हम लेक्सिकल रिसोर्स कहते हैं साथ ही ग्रामर एक्यूरेसी याद रखिए सारे टास्क वन क्वेश्चन में ग्रामर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कहाँ कहाँ कैपिटल्स यूज़ करने हैं कहाँ कहाँ कॉमर्स यूज़ करने हैं आपको ध्यान रखना है क्योंकि इन्हीं में सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं और मार्क्स भी यहीं पर कट होते हैं उसके बाद डिस्कस करते हैं कि हमें अपना आंसर बिल्ड कैसे करना है सबसे पहले तो यू नीड टू हैव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ये इंट्रोडक्शन वो ही होती है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको आपने सिंपली पैराफ्रेज करना है उसके बाद ओवरव्यू ऑफ मेन आइडियाज़ मेन आइडियाज़ मैप के क्वेश्चन में इसका ये मतलब होगा कि आपको मैप किस चीज़ का दिया हुआ है क्या वो किसी पर्टिकुलर टाइमलाइन के बारे में बता रहा है और क्या क्या एलिमेंट्स हैं मान लीजिए सी बिल्डिंग्स कासल हिल्स वो क्या एलिमेंट्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं स्पेसिफिकली मैप के क्वेश्चंस में जब आप ओवरव्यू दे रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यू हैव टू मेंशन द प्लेस दैट यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द मैप क्वेश्चन उसके बाद आपका जो थर्ड या फिर लास्ट पैराग्राफ होगा उसमें आप मोस्ट इम्पोर्टेंट चेंजेस एंड नंबर्स के बारे में बात करेंगे ये वो चेंजेस हैं या फिर वो कंपेरिजन्स हैं जो आपको अपने मैप के क्वेश्चन को देख के देखने को मिलते हैं सो विदाउट फर्दर डू लेट्स कम टू आर मैप एंड ट्राई टू इंटरप्रेट इन आर ओन वर्ड्स तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपनी स्क्रीन पर एक छोटा सा मैप नज़र आएगा एंड इसको देखकर ही आप समझ जाएंगे कि ये एक कम्पेरेटिव मैप है फॉर एग्जांपल ये कैस्टलीन नाम की सिटी को 2000 थाउजेंड के मैप को डिपिक्ट कर रहा है और कैस्टलॉन के टुडे मतलब के आज के मैप को डिपिक्ट कर रहा है तो इन दोनों ही मैप्स में आपको बहुत सारे कंपैरेटिव एनालिसिस करने को मिलेंगे लेट्स रीड आर क्वेश्चन द मैप्स बिलो शो चेंजेस इन द स्पैनिश सिटी ऑफ कैसेलॉन इन रीसेंट टाइम्स समराइज़ द इंफॉर्मेशन बाई सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपेरिजन्स वेयर रेलिवेंट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो इंट्रोडक्शन है वो तो आपको इसके क्वेश्चन से ही मिल जाएगा इसका एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं कैस्टलॉन सिटी 2000 थाउजेंड यहाँ पर एक पोर्ट था और एक एम बीच था पोर्ट के बिल्कुल साथ में एक छोटी सी रोड थी रोड के साथ में कुछ बिल्डिंग्स थी जैसे कि ओल्ड मार्केट सिटी सेंटर उसके बिल्कुल साथ में ट्रेन स्टेशन था और बहुत सारी एम्प्टी स्पेस थी उस ट्रेन स्टेशन के बिल्कुल एडजेसेंट, बिल्कुल बिसाइड यूनिवर्सिटी थी एंड यूनिवर्सिटी का भी आसपास का जो एरिया था वो बिल्कुल खाली था वहाँ पर वेजिटेशन या फॉरेस्ट ग्रोथ थी तो ये तो था हमारा 2000 का मैप 2000 के बाद जब हम कैस्टलॉन के आज के मैप को देखते हैं तो आपको रियलाइज़ होगा कि एक एम्प्टी सिटी से ये बहुत बसलिंग सिटी में कन्वर्ट हो गया है अब यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं मतलब कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज हो गई होगी तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो रोड पहले ट्रैफिक के लिए थी अब उसको पेडेस्ट्रन रोड में कन्वर्ट कर दिया गया है पोर्ट के साथ में भी सिनेमा बार्स एंड क्लब्स बन गए हैं आप देखेंगे कि बीच में एक सिटी सेंटर था उसको भी बाइक रेंटल स्कीम के अंडर कन्वर्ट कर दिया गया है उसके साथ ओल्ड मार्केट को न्यू शॉप्स से रिप्लेस uh, कर दिया गया है और हमारे पास जो एम स्पेस थी वहाँ पर एक नई मार्केट आ गई है सिटी सेंटर के बिल्कुल एडजेसेंट आपके पास न्यू ट्रेन स्टेशन बन गया है मतलब पुराने ट्रेन स्टेशन को तोड़कर एक नया ट्रेन स्टेशन बना दिया गया है और उसके बिल्कुल साथ में ट्रैम लाइन भी बना दी गई है जो यूनिवर्सिटी तक जाती है न्यू ट्रेन स्टेशन के साथ बिल्कुल जस्ट बिसाइड द ट्रेन स्टेशन एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है और न्यू ट्रेन स्टेशन के दूसरी तरफ एक पुलिस स्टेशन बना दिया गया है इस पर्टिकुलर स्ट्रिप के बिल्कुल हम जाएंगे तो आपको दिखेगा कि यूनिवर्सिटी के साथ बच्चों के लिए हॉस्टल्स या हॉल्स ऑफ रेजिडेंस बना दिए गए हैं पहले ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी ट्रीज़ का जो एरिया था फॉरेस्ट ग्रोथ थी यूनिवर्सिटी के साथ उसको तोड़कर न्यू शॉपिंग सेंटर बना दिया गया है तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे मेन फीचर्स और बहुत सारे कम्पेरिजन्स हैं करने के लिए इन सारे फ़ीचर्स को और कम्पेरिजन्स को हम अपने शॉर्ट वन फिफ्टी वर्ड्स के ऐसे में कैसे रिपोर्ट करेंगे आइए चलिए देखते हैं सो फ्रेंड्स दिस इज़ द शॉर्ट पैराग्राफ दैट यू विल बी आस्क टू राइट याद रखिए कि हमें वन फिफ्टी वर्ड्स में आंसर लिखना है तो 150 फिफ्टी वर्ड्स में आपका जो पैराग्राफ या एस का साइज़ होगा वो इतना ही होगा रिमेंबर यू डोंट हैव टू एक्सीड द वर्ड लिमिट इस पर्टिकुलर uh, ऐसे को पढ़ते हैं और फिर अपने किए हुए एनालिसिस के साथ कंपेयर करते हैं लेट्स बिगिन सबसे पहले इंट्रोडक्शन द टू मैप्स शो द मेन चेंजेस विच हैव टेकन प्लेस विच हैव टेकन प्लेस बहुत ज़रूरी फ्रेज है इसी को यूज कर कर हम टाइम डिफरेंस को रिपोर्ट करेंगे इन द टाउन ऑफ कैस्टलॉन बिटवीन द ईयर टू थाउजेंड एंड टूडे ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन अब आते हैं ओवर व्यू पे ओवर व्यू हमारे क्वेश्चन का पार्ट है याद रखिए तो यहाँ पर हमने इन जनरल लिखकर ओवर व्यू शुरू किया इन जनरल इट अपियर्स दैट कैस्टिलॉन हैज़ बिकम अ मच मोर मॉडर्न सिटी विद फार मोर शॉपिंग एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आप यहाँ पर यह भी मेंशन कर सकते हैं कि एविडेंटली द पॉपुलेशन मस्ट द सिटी अर्लियर इट वाज अ टाउन नाउ इट इज अ बसलिंग अर्बन टाउन अब हम अपनी एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट कर रहे हैं वन इंटरेस्टिंग चेंज इज दैट द न्यू ट्रैम लाइन हैज बीन बिल्ट टू कनेक्ट द यूनिवर्सिटी विद द टाउन सेंटर अगर आप अपने मैप को ध्यान से देखेंगे तो न्यू ट्रेन स्टेशन के बिल्कुल साथ में एक ट्रैम लाइन बनाई गई है जो यूनिवर्सिटी और सेंट्रल टाउन को कनेक्ट करती है इस पॉइंट को हमने अपने ऐसे में मेंशन करना है इन 2000, थाउजेंड देयर वॉजेंट एनी अकोमोडेशन फॉर स्टूडेंट्स बट अ हॉल ऑफ रेजिडेंस हैज़ बीन बिल्ट नियर द यूनिवर्सिटी ये पॉइंट भी हमने ग्राफ को पढ़ते हुए ऑब्जर्व किया था अनदर स्ट्राइकिंग चेंज ये बहुत अच्छी लाइन है इसको आप एज इज अपने एसेज में यूज कर सकते हैं अनदर स्ट्राइकिंग चेंज इज दैट द ओल्ड मार्केट इन द वेस्ट ऑफ द सिटी याद रखिए जब भी हम मैप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमने अपने पूरे मैप को फोर डायरेक्शंस में कन्वर्ट करना है थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट तो यहाँ पर ऑथर कह रहा है अनदर स्ट्राइकिंग चेंज इज दैट द ओल्ड मार्केट इन द वेस्ट मतलब जो वेस्ट में हमारी पुरानी मार्केट थी दैट हैज बीन नॉक्ड टाउन मतलब उसको तोड़ कर एक नई शॉप बना दी गई है अ कंप्लीटली न्यू कवर्ड मार्केट हैज़ ऑल्सो बीन बिल्ट ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन अदर साइड की जगह आप ईस्टर्न साइड भी लिख सकते हैं इफ़ वी लुक एट port एरिया which इज़ इन द साउथ ऑफ़ द मैप इट हैज़ बीन पेडेस्ट्रियनाइज सिंस two thousand। मतलब दो हजार के बाद जो ट्रैफिक एरिया था उसको कन्वर्ट करके ओनली फॉर पेडेस्ट्रिय बना दिया गया है एंड been रेंज ऑफ एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज bars एंड क्लब्स अब यहाँ पर हो सकता है आपको लगे कि आप पोर्ट के बिल्कुल साथ में सिनेमाज़ बार्ज एंड क्लब्स बनाए गए हैं इस पॉइंट को एम्फोसाइज करना चाहते हैं बट रिमेंबर आपको एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सिंपली एक कंपैरेटिव एनालिसिस के तौर पे यह मेंशन कर देते हैं कि नाउ न्यू सिनेमाज बार्ज एंड हैव बीन बिल्ट देन दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द एस एंड इट इज द करेक्ट रिस्पॉन्स Now, the northeast of the city used to be a green area. Northeast Matlabke hamara University ke North Northeast of the city used to be a green area with lot of trees, but the trees have been cut down and a new shopping complex has been constructed. A final interesting development has been the introduction of a bike rental scheme in the city centre. एंड विद दिस वी कम्प्लीट आर वन फिफ्टी वर्ड्स एक बार अपने मैप पे दोबारा चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जो हमने मिस कर दिए सो फ्रेंड्स दिस वॉज़ अ मैप एंड यू विल बी एबल टू सी कि हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर कर लिए थे एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाहती हूँ दैट इज़ कि हम अपने मैप को डायरेक्शन्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो सिंपली आपके पास जो भी मैप आएगा आप उसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे जाइए तो यहाँ पर जो हमारा सेंटर पॉइंट है वो हमारा सिटी सेंटर हो सकता है यहां पर एक छोटी सी अगर मैं डॉट लगा देती हूं तो इस डॉट से मैं फोर डायरेक्शंस को ड्रॉ करूंगी एंड सिंपली इन डायरेक्शंस को नाम दे दूंगी एंड नाउ योर मैप हैज बीन कन्वर्टेड इन टू अब आपको याद होगा अपने पैराग्राफ में हमने लिखा था द नॉर्थ ईस्ट पार्ट वहाँ पर फॉरेस्ट्स को स्ट्रिप डाउन करके एक न्यू शॉपिंग सेंटर बना दिया गया है तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का मतलब होगा ये वाला पोर्शन सो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट योर मैप इन टू एंड यूज़ दोज डशंस टू इंटरप्रेट योर मैप एंड राइट योर एस मैप्स को डायरेक्शंस में कन्वर्ट करके फिर अपना आंसर लिखना बेस्ट टेक्निक है इससे आपका लेक्सिकल रिसोर्स भी शो होता है और ये भी शो होता है कि आप मैप्स को अच्छे से पढ़ना जानते हैं सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग टास्क वन ऑफ जनरल आइल्स सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड